संदल की मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ और सोशल डिस्टेंस से हम और जो खाना तबरुक जो खिलाया जाता है बाबा के लंगर का, तो इत्मीनान से और बिठा के हम डिसिप्लिन में खिलाते, संदल भी जो निकाले तो हमने मास्क का उसका पालन करते हुए हमने काम करे हुए अंजाम दिया। और घाटी के कोरोना के इसके पेशेंट को भी हम बहुत सहूलत करते हैं, बैठने के, बिठाने के, खाने के वास्ते जो भी आते हैं परेशान लोग तो पहले यहाँ बैठ के खाना वगैरह खाते, हमने पानी का इंतज़ाम करे, यहाँ नला वगैरह लिए दो तीन और टाकी बनाए हुए हैं, रंजन बनाए हुए हैं, तो ये चीज़ों का हम पालन करते हैं और सब लोगों का हम ख्याल करते हुए चलते हैं अभी तक। आप कब से संदल मुबारक मना रहे हैं उस बारे में? अब हमारे दादा से चलते हुए आ रहे हैं, अब हमारे किसी चौथी पीढ़ी हमारी तो ये हम करते हुए आ रहे, अब हमारे भाई लोग हमारे बच्चे वो बनाते हुए जाएंगे आगे चल के इंशाल्लाह। मेरा सैयद अब्दुल अजीज। आप जिम्मेदारों में से हैं? जी हाँ, जिम्मेदार है, हम यहाँ के मुतवल्ली हैं। आपका नाम बोलिए। सैयद फैज सैयद इब्राहिम। फैज साहब, ये जो संदल मुबारक बनाया जा रहा है तो बुजुर्गान जो औलिया है शेरन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह जी के बारे में कुछ दर्शकों को बताइए तफसील। दर्शकों को बोले तो भाई अभी यहाँ पे सभी फैज पाते आके और जो है तो ये हमारे दादा के ब्रेड से संदल हो रहा और इंशाल्लाह हमारे बच्चे भी करेंगे। बस शाह भाई से बात करो। हमारे साथ मौजूद है शहाब साहब। शहाब साहब से पूछते हैं कि आप बुजुर्ग जो बुजुर्ग हैं उनके बारे में तफसील से बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आप सबको हज़रत शेरन शाह वली सरकार रहमतुल्लाह अलैह का संदल मुबारक हो। अकीदतमंद सभी समाज के लोग यहाँ पे हर साल जमा होते हैं और यहाँ से फैज़याब होके जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दो साल से पिछले पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे दुनिया के अंदर कोविड के वजह से जो परेशानियाँ जो हम सब ने झेल चुके हैं उनसे तमाम चीज़ों का हम पाबंदी से करते हुए हम उर्स को मना रहे हैं। हज़रत क़िबला शेरन शाह वली सरकार रहमतुल्लाह अलैह खुद अपने जगह पे शहर के बड़े मशहूर और मारूफ हस्तियों में से है। आप खुतूब और अब्दालों में आपका शुमार होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज घाटी इतना बड़ा हॉस्पिटल है जो मराठवाड़े के अंदर सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ हर किस्म की बीमारियों का इलाज होता है और सभी समाज के लोग जो है तो अपने अकीदे से बाबा के दरबार पे आते हैं और ये ख्वाहिश लेके आते हैं कि बाबा हमारा जो पेशेंट है वो जल्द से जल्द अच्छा हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से बाबा के दरबार पर जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है और तकरीबन जितने भी यहाँ पर मरीज़ जो यहाँ पर एडमिट होते चाहे कोई भी समाज के लोग हो वो बड़े अकीदे से यहाँ पर आके बाबा के दरबार में अगरबत्ती सुलगा के जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत के बारगाह से सभी को शिफाए कामिला आता होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद एक अकीदतमंद हूँ, मेरा नाम शहाब अहमद कादरी है, माशाल्लाह मैं भी सिलसिले से जुड़ा हूँ और मैं भी इसी तरह हर साल यहाँ पे ज्यारत के लिए आता हूँ और अपने जो है तो मनोकामनाएँ लेके आता हूँ, मैं अपनी दुआएँ लेके आता हूँ कि बाबा हम सब पे पूरे समाज के ऊपर हमारे महल्ले के ऊपर और हमारे शहर के ऊपर अमन और शांति का गहवारा बना के रखना। मैं इतनी बात कह के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।